आज की हमारी रेसिपी है मैंगो रवा केक। और ये मैंगो रवा केक मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, यानी कि विदाउट अवन बनाएंगे हम इसे। साथ ही साथ इसे एगलेस भी बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हे गाइस, वेलकम टू रेनू की रसोई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। परफेक्ट स्पॉन्जी मैंगो रवा केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है इसका मेज़रमेंट। तो यहाँ पर मैंने 1 कप रवा यानी कि सूजी का यूज़ किया है और मैंने इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर आप मोटी या पतली किसी भी तरह की सूजी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप वाइट शुगर ली है, लेकिन मैं इसमें से आधा कप शुगर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो आधा कप शुगर है इसे भी मैंने इस मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जो रवा और शुगर है हमारे पास, अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसका पाउडर फॉर्म तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगोज़। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंगोज़ लिए थे और उनको ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पीस कर प्यूरी तैयार कर ली थी। और ये जो प्यूरी है इसे भी अब हम इस मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं मैनुअल विस्क का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इसे जितना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे, उतना ही परफेक्ट आपका रवा मैंगो केक बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सेम बाउल एंड सेम क्वांटिटी का यूज़ करके मैं अब इसमें डाल रही हूँ लुकेवॉर्म मिल्क। तो जैसे ही आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे ये तुरंत से एक्टिवेट होगा। तो फटाफट से इसको आपको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पॉन्जी बनाने के लिए इसमें एग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप केक को स्पॉन्जी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसे साइड रखेंगे लगभग से 15 मिनट के लिए। तब तक के लिए आपको इसे टच नहीं करना है। लगभग 15 मिनट के बाद यहाँ पर लिया है मैंने एक केक मोल्ड यानी कि केक टिन, और यहाँ पर अब हम इसके अंदर लगाएंगे बटर पेपर ताकि जो केक है वो नीचे से चिपके ना, बर्तन में इजीली निकल जाए। और बर्तन के चारों तरफ से भी केक ना चिपके इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फिंगर टिप्स पर थोड़ा सा बटर या घी लेना है और अच्छे तरीके से टिन को चारों तरफ से ग्रीस कर देना है। अब जो ये बैटर हमने तैयार करके रखा था इसे हम इस केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो बचा हुआ है उसे भी मैं स्पून से निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्पून से ही इसे अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी एक फ्लैट सरफेस देने के लिए। उसके बाद इसके ऊपर से मैं यहाँ पर थोड़ी सी रेड चेरी का यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप इसे टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा केक बनाने के लिए बैटर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई को हीट करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ध्यान रखें कि जो कढ़ाई आप यूज़ करें वो ब्रॉड होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी प्लेट है जिसकी जो हाइट है वो बहुत ही कम है, तो इसे मैं उल्टा करके इस कढ़ाई में रख दूँगी। आप चाहें तो किसी भी कम हाइट वाले स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने केक बैटर तैयार किया है केक टिन में, उसे भी हम रख देंगे। उसके बाद आप एक लिड से इसे ढक देंगे। मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिड का यूज़ किया है, आप चाहें तो किसी भी थाली से भी इसे ढक सकते हैं। अब आपको गैस की फ्लेम को लो करना है। लो फ्लेम पर इसे 25 to 30 मिनट के लिए आपको एज इट इज़ बेक होने देना है। 25 मिनट से पहले आपको इसकी लिड को हटाकर नहीं देखना है। जैसे ही ये केक अच्छे से बेक हो जाएगा आपको एक स्मेल आने लगेगी, उसके बाद आप लिड को हटाकर देखिए। और केक अच्छे से बेक हुआ है ये चेक करने के लिए किसी भी फॉक का या निडल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉक को केक में डाला है और ये देखिए, फॉक पर बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है केक। इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। लगभग 5 से 10 मिनट बाद जब कढ़ाई ठंडी हो जाए तब आप इस केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिए। केक मोल्ड को मैंने कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे ट्रे में, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप इजीली कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, ऐसा ही एक प्लेट लेना है और उस प्लेट को उल्टा करके टिन के ऊपर रखना है। उसके बाद आप टिन को फ्लिप कर दीजिए, बहुत ही आराम से करना है। फ्लिप करने के बाद टिन को आपको आराम से हटाना है। उसके बाद जो बटर पेपर हमने इस पर लगाया था उसे हम हटा देंगे, जो कि बहुत ही इजीली निकल जाएगा। केक तो अभी भी उल्टा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और प्लेट लेंगे, उस प्लेट के ऊपर रख के फिर से फ्लिप कर देंगे और ऊपर वाली प्लेट को हम आराम से हटा देंगे। उसके बाद ये देखिए केक एकदम ठीक है, इसमें कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है। अब आप केक को कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक पीस को इसमें से कट कर रही हूँ, बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं इनको फॉलो करना है, फिर आप भी बना सकते हैं एकदम से परफेक्ट मैंगो रवा केक। तो मैंने यहाँ पर दो पीस लिए हैं केक के, और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा हर्शी सिरप ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। तो देखा आपने कितना आसान है मैंगो रवा केक कढ़ाई में बनाना, वो भी विदाउट एग, और आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो अगर आपको मैंगो रवा केक बनाने की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।